हेलो एवरीवन गाइस, सो कैसे हो आप लोग। आज गाइस हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप गाइस आप ये वाली पूरी वीडियो को कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा का पूरा वॉच करोगे, चाहे जो भी हो जाए। बिकॉज सिर्फ ये जो वीडियो नहीं है आप लोग के लिए, एकदम बेस्ट अच्छे से टाइम टेबल के साथ पूरी स्ट्रेटजी मैंने इसमें आज आपको डिस्कस की है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, सारे सब्जेक्ट के बारे में कैसे क्या स्टडी करनी है, नवंबर महीने से कितने महीने हैं, कब एग्जाम हो सकती है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको डिस्कस किया है। तो इस पूरे वीडियो को देखना है। और यार आप लोग शेयर नहीं करते तो प्लीज शेयर कर देना, कोई दुश्मनी तो है नहीं यार, क्या कर रहे हो पता नहीं क्यों, तो शेयर कर दिया करो। और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ पे भाई इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। सो ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आएगा पूरी वीडियो को देखने में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि गाइस व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। तो आप बोलोगे मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट सोचे नहीं है, सोचेंगे भविष्य में। तो ऐसे नहीं होता यार, सबको ही मुन्ना भैया नहीं है कि भाई आप पहले से प्रॉपर्टी मिल जाती है। बस आपको इतना ध्यान देना है यार कि मतलब तुमको अपने लाइफ में क्या बनना है। ऐसा मैं क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो जानते हो, मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू और इंस्टाग्राम में बहुत सारे ऐसे मैसेज आए कि ट्वेल्थ के बाद हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, ट्वेल्थ के बाद हमें क्या करना चाहिए। उनको यही नहीं पता है एग्जैक्टली यार कि हमको करना क्या है, मतलब उनको बनना क्या है, उनको यही नहीं मालूम है। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, उनको ट्वेल्थ के बाद क्या बनना है वो हमसे पूछते कि आप बताओ मुझे क्या बनना है, ये बताओ। तो मैं तो उनको सीधा बोलता हूँ कि यार बन जाओ फिर प्रेसिडेंट, इतना अच्छा है ना, क्योंकि उनके पास कोई टारगेट नहीं है। बोलते हमें टारगेट दो, तो मैंने दे दिया गोल, प्रेसिडेंट बन के दिखाओ, क्या बात है भाई, बन सकते हो, कोई भी चीज गलत थोड़ी। और मैं इसका पूरा रास्ता भी बताता हूँ कि कैसे ये बनना है। उनको मजाक लगता है क्योंकि उनके कैपेसिटी और उनकी एबिलिटी की ये बियॉन्ड है। वो सोचते हैं कि यार ये तो हम बन ही नहीं सकते, इसका मतलब क्या है, तुम जीरो, पता नहीं क्या सोचते हो यार तुम अपने बारे में। मतलब मैं तो तुम्हें हीरो ही समझता हूँ, बट तुम क्या सोचते हो अपने बारे में आई डोंट नो। बट ये बात ध्यान रखना कि टारगेट अब तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। मैं तुमको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, एक जस्ट छोटी सी, एक बस एक सेकंड, दस सेकंड लगेगी। हम ये रियल है, हाँ, हमारा एक फ्रेंड था, हमसे बहुत बड़ा है, मतलब वो हमसे बहुत बड़ा है, मतलब समझो कि हमसे 3-4 साल बड़ा है, ठीक है। सो वो जब भी ना मतलब 10th हो गया, उसके पापा पूछते भाई क्या बनना है, 11th हो गया क्या बनना है, 12th हो गया क्या बनना है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली का, इतने भी पैसे नहीं थे। 12th के बाद अचानक से उसको बोलता है कि मुझे अब इंजीनियरिंग करनी है, पढ़ने में अच्छा खासा होशियार, सीटी वगैरह तो निकाल लेता है, 120-130 ऊपर चले जाते हैं। बाद में बोलता है कि अब हमें ये बनना है। अब भाई एडमिशन लेने गया, फीस अच्छी खासी 1 लाख लग रही है पर ईयर की, भाई फीस तो ओपन कैटेगरी का था तो फीस तो लगेगी। अब उसके पापा 8वीं क्लास से पूछ रहे थे क्या बनना है, ताकि थोड़ा सा पैसा सिक्योर करके रखें, बचा के रखें, मालूम ही नहीं क्या बनना है। अचानक बोलते हैं इंजीनियर बनना है और पैसे नहीं है, ड्रॉप आउट, खत्म, दूसरे फील्ड में आ गया, इंजीनियरिंग छोड़ दिया, जबकि कैपेबल था, कर सकता था। तो ऐसे तुम मत करो भाई, तुमको क्या बनना है पहले से सोच लो एग्जैक्टली, एक दिन बैठो क्या क्या दुनिया में फील्ड है उस चीज के लिए गूगल करो, गूगल सबका आंसर देता है। तो ऐसे ये नहीं भाई मुन्ना भैया बन जाओ, अभी सोचे नहीं, भविष्य में सोचेंगे। प्रॉपर्टी मतलब बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं पड़ी है कि मस्त ऐश करोगे, ठीक है, तुमको बनना है तो उसके लिए तुमको एकदम बेस्ट तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन यार क्वेश्चन अभी भी यही है कि यार ट्वेल्थ कैसे करना है, ट्वेल्थ कैसे करना है। सो एक ही मंत्र है, ऑलवेज ट्राई टू बिकम द लीडर। और टेंशन काहे लेते हो, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए, ठीक है। सो मैं सारा एकदम प्लानिंग के साथ आपके साथ आया हूं भाई, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, डोंट वरी, कोई टेंशन की बात नहीं है। सो ईच एंड एवरीथिंग तुम्हें सोचना है, मतलब जो मैं बताऊंगा उसे फॉलो करना है, और आपकी मर्जी, चाहे तो आपने अपना जो टाइम टेबल बनाया होगा तो उसे फॉलो करना, या जो मैं बताने वाला हूं उसे फॉलो कर लेना, पर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी अगर आप ना एकदम निष्ठा से, निष्ठा मतलब एकदम कर्तव्य के साथ उसे जरूर करोगे, निभाओगे डिसिप्लिन के साथ, अगर उसे फॉलो करोगे तो यार डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, इवन 80 के ऊपर भी जा सकते हो, मैं बोल रहा हूं ना चले जाओगे। लेकिन थोड़ा सा बिलीव होता है ना यार, बोलते हैं ना कभी कभी बिलीव करना चाहिए, वो थोड़ा तुम्हें करना पड़ेगा। बाकी तुम जानो, तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो, समझो मेरा क्या है उसमें, बट थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा और उसी उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके नॉलेज आता है। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव चीज नॉलेज होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, कोई हीरा, कोई जवाहरात, कोई मोती कुछ नहीं होता, सबसे नॉलेजबल और सबसे मतलब प्रीसियस थिंग्स नॉलेज होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब तुम उसको वैल्यू नहीं कर सकते इतने रुपए में दे दो, समझ रहे ना मतलब क्या बोल रहा हूँ। सभी चीज की वैल्यू होती है बट कभी बुद्धि की वैल्यू नहीं होती, समझ रहे ना, मतलब वैल्यू इन द सेंस मनी से आप उसे तौल नहीं सकते हो, तो ये बात ध्यान रखना। तो आपके लिए प्रबंध कुछ करके लाए हैं भाई, तो चलो दिखाते हैं क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर टारगेट, क्योंकि मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ परसेंटेज लाने की। देखो यार, अगर तुम्हें किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जाना, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम देना है और तुम सोचते हो कि हम गवर्नमेंट में ही जाना है हमें, तो मैं आपको पहले बता दूं कि यार तुम 60% के ऊपर रहना, 60 के नीचे गए तो खत्म कहानी।
हाँ, लेकिन अगर तुमको यूपीएससी देना है ना, तो इसके लिए तुम बस 36% भी ला लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूपीएससी को कोई परसेंटेज से मैटर नहीं करता है, वो जो क्वेश्चन पूछता है वो लाना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम्हें सपोज कोई भी जेई का एग्जाम देना है या फिर तुम्हें कोई सपोज नीट का एग्जाम देना है, तो तुम्हें ये बात तुमको ध्यान रखनी कि जेई में तुमको पीसीएम में 70 अबव जाना पड़ेगा, नीट में पीसीबी में तुम्हें ये बात ध्यान रखना अच्छे से, इसमें भी 70 अबव जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें एनडीए का एग्जाम देना है तो कुछ 72% की कैटेगरी आ चुकी है, 72% के ऊपर पीसीएम में रहना पड़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। तो ये थोड़ा टारगेट बना के रखना, मैंने तुमको थोड़ा सा नॉलेज दे दिया है आज के हिसाब से बता रहा हूँ, आगे चल के चेंज हो गया तो मुझे मत बोलना, ठीक है। तो ये थोड़ा टारगेट बनाओ, तुम्हें करना क्या है भाई लाइफ में, कुछ भी अगर तुमको करना है तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। और बाकी की अगर तुमको कोई भी अदर कोर्सेस करने तो उसके लिए नो परसेंटेज मैटर, ज्यादा परसेंट रहेंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा ट्वेल्थ में, और अगर गंदे परसेंटेज रहेंगे तो फिर मेरिट में नाम नहीं आएगा, फिर फीस ज्यादा लगेगी। बाकी इसके अलावा तुम कोई भी ट्वेल्थ के बेसिस पे भी बहुत सारे ले सकते हो, ठीक है, एडमिशन वगैरह कहीं पर भी। नाउ आगे बढ़ते हैं, अभी मेक टारगेट फॉर ईच डे। अब देखो यहाँ से प्लानिंग स्टार्ट करता हूँ। देखो यार हम क्या करते हैं कि हम टाइम टेबल बनाते हैं, मैं आपको ऐसी भी एक टाइम टेबल दूंगा डोंट वरी, बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं टाइम टेबल बनाते हैं। हमको वो टाइम टेबल आज तक कभी फॉलो हुआ है जरा बताओ, जरा आप लोग टाइम टेबल कभी आपको फॉलो हुआ है, कभी कर पाए हो, कोई कर पाए तो कमेंट बॉक्स में बता देना जरा। 100 में से 1% होगा चतुर, है ना, 3D वाला चतुर देखा है वही रहेगा, कोई एकदम पड़ेगा क्या करना अपने को। लेकिन लेकिन अपने को यहाँ पे क्या करना है यार, टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। जैसे कि आज रात को सोने से पहले क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, सुबह क्या करना है उसकी प्लानिंग बना के सो जाएंगे। कल सुबह उठूंगा, पहला चैप्टर का ये वाला टॉपिक खत्म करूंगा, ये वाला एक्सरसाइज करूंगा, ये सॉल्व एग्जाम्पल करूंगा, ये चीज पढ़ूंगा, खत्म। फिर वो दिन पूरा फॉलो करना है, उसी चीज को फॉलो करना है, अब चाहे जो भी हो जाए वो खत्म करना है। अब चाहे तो वो 5 घंटे में खत्म हो, चाहे 6 घंटे में खत्म हो, चाहे 7 घंटे में, चाहे 2 घंटे में खत्म कर दो। इसे कहते हैं टारगेट बेस्ड स्टडी, डोंट मेक टाइम टेबल यार। टाइम टेबल बनाओगे तुम अपने आप को पाबंद नहीं कर सकते हो, पाबंद मतलब अपने आप को बांध कर रख नहीं सकते हो, और टाइम टेबल बनाना मतलब अपने आप को बांध कर रखना होता है, समझ गया। तो तुम अपने आप को बाइंड नहीं कर सकते हो, ये बात तुमको ध्यान रखनी है। मतलब तुम्हें क्या करना है, टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है, टारगेट बनाओ उसे तुरंत का तुरंत अचीव करो। इससे क्या होता है जानते हो, क्या होता है यार आपको एकदम बताता हूं, अगर तुम दिन का रोज का रोज टारगेट, अगर तुम हर दिन का अगर टारगेट रोज अचीव करते हो ना, एक दिन तुमको रियल लाइफ की टारगेट अचीव करने की आदत लग जाएगी। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, मेरी बात लाइफ टाइम में कुछ सालों बाद तुम्हें समझ में आएगी। आज का आज रोज का टारगेट एकदम तुमको क्या करना है, फॉलो करना है, और उसके बाद एक दिन ऐसा है कि तुम रियल वाले सक्सेस का टारगेट अचीव कर जाओगे। तो यही टाइम टेबल होगा, ये बात तुमको ध्यान देना है। चलो अब मैं बताता हूँ प्लानिंग एग्जैक्टली, भाई प्लानिंग क्या होनी चाहिए ये तुमको बताता हूँ। प्लानिंग में सबसे पहले भाई दिन गिनो, कितने दिन अवेलेबल हैं। अगर फरवरी में एग्जाम होगी, क्योंकि अभी तो फिक्स नहीं है, मैं अभी जो नवंबर 2020 में वीडियो बना रहा हूँ, तो फरवरी और मई में अगर एग्जाम मई में होगी तो आपके पास 150 दिन है, और अगर फरवरी में होगी तो 90 डेज है। पॉसिबिलिटी कम है कि भाई फरवरी में होगी, ज्यादा पॉसिबिलिटी कि मई में एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगी और होगी। मैं मई की स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, अगर फरवरी में आपको एग्जाम देना है तो फिर फरवरी के लिए कोई प्लानिंग किसी से पूछो मत। अब सुन लो किसके, आपको एक आइडिया बताता हूँ, मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ। मैं भाई एक बार गया गांव, मैं अभी मुंबई में रहता हूँ, मैं एक बार गया गांव, मेरे पीछे पड़ गया कुत्ता यानी डॉग, ठीक है, और मेरे को दौड़ा लिया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मैं कुत्ते से भी तेज दौड़ा था, मालूम है, मतलब वो मुझे पकड़ नहीं पाया था। तो समझ लो कि जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो मैं कैसे भागूंगा। तुम्हारे पास जब कोई ऑप्शन नहीं होगा, तुम फरवरी तक एग्जाम देना है तो फिर तुम क्या करोगे, समझ रहे हो। बट जहां तक एग्जाम नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना, तो अगर एग्जाम होगी तो किसी से प्लानिंग नहीं पूछ सकते हो। तो फिर एक ही चीज तुमको बताता हूँ कि ट्राई करना कि सभी चैप्टर के 6-6 चैप्टर खत्म कर देना, सेफ मोड में आ जाओगे, और ऐसा खत्म करना कि टिप ऑफ द टंग आंसर तुरंत एकदम याद होना चाहिए, कहीं से भी कोई भी पूछ ले तुरंत याद होना चाहिए। ऐसा 6 चैप्टर, क्योंकि 16 चैप्टर यार 10 छोड़ के जाओगे, सोच रहे हो क्या करने जा रहे हो तुम, रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। तो ये बात तुमको ध्यान देना, रिस्क ले रहे हो ये बात तुमको समझ के रखनी है, ओके। सो अगर मैं 150 दिन की अगर बात करता हूं, मैं 150 दिन की स्ट्रेटजी, सबसे पहले तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट है, पीसीएमबी जिसको बायोलॉजी और मैथ्स नहीं होगा तो वो अपना लैंग्वेज में लगा लेगा, ठीक है। तुम्हारे पास हर चैप्टर में, अगर मैं 16 हर सब्जेक्ट में 16 चैप्टर मान के चलो, 64 चैप्टर होते हैं 4 में, ठीक है। और अब तुमको 150 दिन तुम्हारे पास है, अगर तुम एक चैप्टर को 2 दिन देते हो, ये 2 दिन कैसे देना है, पहला दिन पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज, ठीक है, कैसे पढ़ना है बताऊंगा, दूसरा दिन पूरा का पूरा रिविजन, ठीक है, पूरा का पूरा रिविजन। ये एक स्ट्रेटजी हो गई। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे तुमको पढ़ना है, दूसरी स्ट्रेटजी पहले एक्सरसाइज करना है, देन सॉल्व एग्जाम्पल करना है, देन रिवीजन करना है, देन एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है। पहले सबसे पहले एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज कर लोगे 80% पूरा सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाता है, समझ गया अच्छे से। उसके अंदर छोटे से छोटे पॉइंट भी तुम्हें याद कर लेना है,
ठीक है। सो एक्सरसाइज सबसे पहले डन डना डन डन करना है और उसके बाद तुमको सॉल्व एग्जांपल को डन डना डन डन करना है। समझ में आई मेरी बातें? सॉल्व एग्जांपल में न्यूमेरिकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, आप चाहे तो उठा के देख लेना। फिर उसके बाद यार रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विदाउट रिविजन दुनिया का कोई भी एग्जाम, क्या बोल रहा हूं मैं, दुनिया का कोई भी एग्जाम यू कैन नॉट क्रैक विदाउट रिविजन, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि इंसान का दिमाग भूलने के लिए ही बना होता है, वो भूल जाता है। तुमको मालूम भी यार, अगर तुम नहीं भूलो, तुम सोचते हो कि हमको भूलना एक बीमारी है, भूलना एक अच्छी बात है। मैं कहता हूं, मैं आपको बोलूं, अगर आप नहीं भूलोगे ना, सपोज जरा देखो, आपको एक बात बताता हूं, किसी के कोई एक इंसान है, इंसान के घर में कोई एक दूसरा इंसान, उसका कोई सगा रिलेशन वाला मर गया, सपोज उसकी डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद अगर वो मर गया तो अब ये इंसान क्या करेगा, ये एक दिन खाना नहीं खाएगा, दूसरे दिन खाना नहीं खाएगा, तीसरे दिन खाना नहीं खाएगा, लेकिन चौथे दिन जब उसको भूल जाता है कुछ टाइम के लिए, तब वो खाना खाता है, फिर एक साल बाद उसको हंसी भी आती है, खुशी हो जाता है, फिर वो फिर ना उसको कभी कभी याद आएगा ना तो जरूर रोएगा, लेकिन उसके बाद फिर शांत हो जाएगा और फिर खाना खाएगा, फिर हंसेगा, कूदेगा, खेलेगा, सब कुछ करेगा। अगर उसे हमेशा याद रहे, मतलब दिमाग से निकले ही नहीं एक भी समय के लिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं, तो वह इंसान डिप्रेशन में जाके तुरंत मर जाएगा, समझा? इसलिए भूलना, भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई है, भूले नहीं तो हम तुरंत मर जाएं। कोई सैड फीलिंग आ गई और अगर वही याद रहे तो हम तुरंत मर जाएंगे। अच्छा होता है कि हम तुरंत इमीडिएटली आधे घंटे बाद भूल जाते हैं और कुछ दूसरा काम करते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद हमको जर्क लगता है, फिर हमें याद आता है, तो फिर हम सैड होते हैं, फिर हमको भूल जाता है। भूलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के मामले में भूलना ये थोड़ा सा रिस्की है ना? तो एक बात ध्यान रखना, रिविजन आपको हमेशा करते रहना है, रिविजन भूलेगा इसीलिए उसको याद करना है, तो रिविजन करते रहना है, है ना? कितना अच्छा आइडिया है ना यार, सैड फीलिंग अपने आप आती है, लेकिन एक थ्योरम नहीं आता अपने आप, है ना? जैसे सैड फीलिंग्स होती है वो अपने आप याद आ जाती है, लेकिन थ्योरम अपने आप याद नहीं आता, उसको याद करवाना पड़ता है, मतलब बुलाना पड़ता है, आजा, है ना? लेकिन ये नहीं आता है, ये भाई अपने आप ही दौड़ दौड़ के चला आता है, इमोशंस आजा, जैसे बिना बुलाए मेहमान है। क्या खैर छोड़ो वो सब, देखो क्यों आता है, इसका भी रीजन एक है साइकोलॉजिकली, कि अगर आप ना इस चीज को बहुत दिमाग में लेते हो, लाइटली नहीं लेते हो, मतलब दिमाग में एकदम बिठा लेते हो कि यस मेरे लिए वही इंसान बेस्ट है, और जब वो मतलब या कुछ कर दे तो फिर हमें सैड फीलिंग आती है, तो वो कैसा हमारे माइंड में बैठ जाता है। लेकिन हम फिजिक्स केमिस्ट्री के थियरम को माइंड में बिठाते ही नहीं, हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो हमको भूल जाता है, और फिर कभी आता नहीं, फिर बुलाना पड़ता है, तो यही साइकोलॉजी होती है। तो प्लीज इस पे फोकस करो यार, इस पे फोकस करो, रिविजन करो, फिजिक्स केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में ध्यान लगाओ, और इसमें ध्यान लगाओगे तो तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। यहां ध्यान लगाओगे तो रोज रोना पड़ेगा, रोज का रोज रोओगे और कुछ नहीं करोगे, क्या रोने के लिए जिंदगी में आए हो क्या, धरती में इससे अच्छा आते ही नहीं, ठीक है? सो एक्सरसाइज तुमको पहले करना है, देन सॉल्व एग्जांपल करना है। और कुछ बच्चों को अब प्रॉब्लम होगी यार कि सॉल्व एग्जांपल करें या क्या करें, मतलब पहला कौन सा चैप्टर करें, तो पहले 5 या 6 चैप्टर करना है, और वही चैप्टर करना जिनके वेटेज बहुत ज्यादा होंगे और आसान चैप्टर होगा। अब वो तुम जानोगे कौन सा आसान चैप्टर होगा, मैं थोड़ी बता सकता हूं कौन सा आसान चैप्टर है। मैं वैसे भी सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने ही वाला हूँ सब कुछ, ठीक है? वैसे भी मैंने कुछ चैप्टर के दे दिए हैं, 3-4-5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? तो इस तरीके से तुमको करना है। बहुत सारे बोलते हैं कि यार एक्स्ट्रा क्वेश्चन में तभी हाथ लगाना जब एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल और रिविजन हो जाए। कैसे पढ़ना है वो बताऊंगा अभी, ठीक है? चलो अब यहाँ पे देखो, प्लानिंग पूरी देख लो क्या है भाई, एग्जैक्टली प्लानिंग क्या है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। प्लानिंग यही है कि सबसे पहले जीवन में एक बार रीड करना टेक्स्ट बुक को, वंस, ठीक है? एक बार रीड करना है। मान लो रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हो तो इस चैप्टर को पहले एक बार रीड करो। कितने टाइम से कितने टाइम तक रीड करना मैं अभी तुमको बताऊंगा, थोड़ा धैर्य करो, प्रबंध करके लाए हैं तो ऐसे थोड़ी लाए हैं, है ना? तो रीड टेक्स्ट बुक वंस, ठीक है? ये बात तुमको ध्यान देनी है। देन एक डाइजेस्ट टारगेट ले लो या नवनीत ले लो, ठीक है? टारगेट ही सजेस्ट करता हूं, ले लो या नवनीत खरीद लो, जो भी टारगेट बेस्ट है वैसे भी। सो डाइजेस्ट ले लो, उठा लो, और उसकी वहां से एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, फॉर्मूले, कौन सा अप्लाई किया है, कैसे अप्लाई किया है, याद करना स्टार्ट करो, समझना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। एक्सरसाइज डन हो जाएगा ना, उसके बाद ही सॉल्व एग्जांपल करना। उसके बाद क्या करना है, सॉल्व एग्जांपल। तुम कोई भी चैप्टर से गो थ्रू कर सकते हो, बट फिजिक्स में पहला चैप्टर छोड़ना मत, पहले चैप्टर के बाद और कोई भी चैप्टर पढ़ो। बट अगर जब फिजिक्स स्टार्ट करना तो फर्स्ट चैप्टर जरूर करना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में बहुत बेसिक्स होता है। फिर उसके बाद कोई भी चैप्टर करो, कोई नो इशू, ठीक है? फिर उसके बाद सीरियल वाइज जाओ, ये जैसे भी जाना है तुम लोग जा सकते हो, बट मैं कहूंगा सीरियल वाइज ही जाओ, ठीक है? चाहे अगर तुम फिजिक्स पार्ट वन में पढ़ रहे हो तो यहाँ भी सीरियल वाइज में 3-4 चैप्टर कर लो, वहां भी 3-4 चैप्टर कर लो, आपके 7-8-9 चैप्टर हो जाएंगे और आप तुम आराम से पास जाओगे फिजिक्स में। सेम केमिस्ट्री के लिए भी सेम यही था। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होती है तो ऑर्गेनिक में फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट करो। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुम ऐसे गो थ्रू करोगे, मतलब ऐसा स्टार्टिंग से बड़े बड़े चैप्टर समझ के, तो कभी नहीं कर पाओगे। फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट कर दो केमिस्ट्री में, तभी उस चीज को याद कर पाओगे। उसके रिएक्शंस, अल्कोहल के अलग रिएक्शंस,
फिर ऐसे तुम लोग को बनाना है एल्डिहाइड के अलग रिएक्शन, मतलब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड के कितने रिएक्शन है वो करना है पहले, समझ रहे ना, जिस तरीके से पढ़ने के लिए मैं बता रहा हूं वही आपको फॉलो करना है। तो फ्लो चार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, वो भी ऑर्गेनिक के लिए। अब रही बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार बहुत आसान है, जैसा फिजिक्स होता है वैसे स्टार्टिंग से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने बता दिया रोड मैप क्या है तुम्हारे लिए, टेक्स्ट बुक को एक बार रीड करना है, रीड करने के बाद एक्सरसाइज करना है, उसके बाद सॉल्व एग्जांपल करना है, देन और याद करना ट्राई करना कि सीरियल वाइज जाओ, पर टाइम टेबल में दिया है ना, रिवीजन तो छोड़ना मत, रिवीजन करना है, कब रिवीजन करना है टाइम अभी बाकी है, रुक जाओ बताऊंगा, थोड़ा धैर्य करो, प्रेजेंस मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब मिल जाएगा ना। मैथ्स की बात करता हूँ, मैथ्स में क्या करोगे, तो सबसे पहले लर्न फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला लर्न करो, उसको कैसे अप्लाई करना है वो सीखो, मैंने अपने ईच एंड एवरी वीडियोस में यही बताया है, पहले फॉर्मूला लर्न करना है और उसके बाद तुम्हें उस फॉर्मूले को इस्तेमाल कैसे करना है ये मैंने तुमको बता रखा है, समझ रहे हो जो बोल रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस पूरे यूट्यूब में वैसा वीडियो किधर नहीं मिलने वाला है, तो सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, ट्राई कि आपके बुक के पीछे का आंसर लाने में ट्राई करते हैं, मैं बुक के पीछे के आंसर को फॉलो नहीं करता, क्योंकि किसी को बुक का पीछे का आंसर एग्जाम में याद नहीं रहेगा, डेरिवेटिव हो चाहे इंटीग्रेशन हो, किसी को तुम याद कर रहोगे, याद कर पाओगे तुम लोग, तुमको कॉन्सेप्ट से मतलब है ना, तुमको वो तरीके आना चाहिए ना, क्वेश्चन दिखाने की फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना ये आना इंपॉर्टेंट है कि पीछे का आंसर आना इंपॉर्टेंट है, सो सिंपल यार कुछ भी। तो मतलब तुमको सिर्फ ये ट्राई करो कि तुम फॉर्मूला पहले याद करो, मैंने पूरे बुक में यही बताया है, मैं बुक के पीछे का आंसर लाता ही नहीं कभी भी, इंपॉर्टेंट क्या है वो टीचर फुल मार्क्स देता है, बुक के पीछे का आंसर नहीं किसी टीचर को खुद याद नहीं रहता है, समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं, तो वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना अच्छे से आपको। सो अगर गाइस तुम ये सेकंड पॉइंट सीख गए ना कि कैसे भाई फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो समझ लो कि तुम लोग ने सब कुछ सीख लिया। तो मैं वही फॉलो करता हूं, तुमको पहले फॉर्मूला याद कराता हूं, इतना तुम्हें मेरे लिए करना है, फिर उसके बाद उस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है वो मैं सिखाता हूं, तुम जाके देख लो, 4 घंटे की वीडियो मैंने बना रखी है डेरिवेशन की, और उसमें मैंने 1 घंटे स्टार्टिंग के वही बताया कि कैसे डेरिवेटिव तुमको करना होता है, कैसे कोई डेरिवेटिव होता है, उसमें कैसे फॉर्मूला लगता है, डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है, मैंने ये सिखाया है, किधर भी आपको ऐसे वीडियो नहीं है, सब लोग आते हैं सीधा क्वेश्चन कराते हैं चले जाते हैं, तुम एक बार मेरा मत मानो, मेरे वीडियो जाकर देख लो एक बार, तुमको सब समझ जाएगा वैसे भी, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। और अब देखो मैथमेटिक्स में रिवीजन करना बहुत हेक्टिक टास्क है यार, पहले ही एक्सरसाइज में जाओगे ना 60-70 क्वेश्चन मिलेंगे, अब क्या 60-70 क्वेश्चन करते बैठोगे, जब मुझे कराने में 4 घंटे से 5 घंटे लग गए, 70 क्वेश्चन करने को तुमको कितने घंटे चाहेंगे, कर पाओगे नहीं, तो अब उसके लिए तुमको डाइजेस्ट का इस्तेमाल करना है, एक बार वीडियो देख लिया तुमने, मैं नहीं कहता मेरी देखो किसी की भी देखो, देखो यार मैं ऐसा बंदा नहीं हूं, ठीक है तुमको जिधर अच्छा लगे उधर पढ़ो, ठीक है लेकिन पढ़ो जरूर, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना, पढ़ना इंपॉर्टेंट, मैं चाहता हूं तुमको सक्सेस मिले, कोई भी दिलाए, तुम जिसे फॉलो करो उससे मिले, लेकिन तुमको मिले, मैं बेस्ट तरीके अपने बताता हूं, तुमको अपना तरीका अच्छा पसंद होगा तुम उसे फॉलो करो, तुम एकदम बेस्ट बनो, मेरा यही मानना है, भगवान से भी मैं यही मनाता हूं, ठीक है। सो पहले एक काम करना है, डाइजेस्ट खरीदनी है और कहीं कभी वीडियो देखो, उन सारे क्वेश्चंस को अपने एक बुक में लिखते जाओ, मैथ्स रूम में बहुत ज्यादा मोटी मोटी बुक्स लग जाती हैं, भर जाती हैं 4-5-10 बुक भर जाती हैं नोटबुक, डाइजेस्ट उठानी है और डाइजेस्ट उठा के ना उसमें से कौन सा फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन में लगाया है वो सीखना है, सॉल्यूशन देख के, लोग तो कहते हैं कि यार रट्टा मार रहा है, अरे वो पागल, उसको कहने दो, तुमको डाइजेस्ट में ना कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया वो सीखना है, समझ गए, और सारे स्टेप्स को पढ़ने हैं, और स्टेप पढ़ोगे ना तो इससे ये पता होता है कि हाँ कौन सा स्टेप किधर लगता है, फिर जब तुम करीबन 50 क्वेश्चन पढ़ डालोगे ना तुमको अपने आप पता चलेगा कि यार सारे क्वेश्चन तो कॉमन है, सब में एक ही चीज लगाना है, आप एक बार करके देखो, लेकिन अगर आप जब स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन करोगे ना आपको सब नया नया लगेगा, जब 50 क्वेश्चन कर डालोगे ना सब आपको पुराना पुराना लगने लगेगा, जिसने फील किया होगा ना उसे ही मालूम होगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं ये, और ये एक्सपीरियंस कोई नहीं बताएगा क्योंकि पुराने जमाने में ये सब अवेलेबल ही नहीं था, ये तो हम लोग नए लोग हैं ना, स्मार्ट स्टडी ऐसी तो होती है, समझ गया, तो ये तुमको फॉलो करना थोड़ा सा, ठीक है। और गाइस कभी भी एक बात ध्यान रखना, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना मैथमेटिक्स में उसको पहले खत्म करना, ये नहीं कि एक एक्सरसाइज इसका कर ले फिर दूसरा एक्सरसाइज करेंगे, नहीं पहले खत्म करना उस पूरे चैप्टर को, फिर दूसरे चैप्टर में जाना है, ट्राई करना सबसे पहले इजी चैप्टर खत्म कर दो, जितना जल्दी हो सके मैथ्स में डाइजेस्ट खरीदो और इजी चैप्टर पढ़ के खत्म कर दो, मेरे वीडियोस के स्टार्टिंग की वीडियोस देख देख के ट्रिक सीख लो और डाइजेस्ट में सॉल्यूशन देख के खत्म कर दो, समझ गया क्या, ये बात तुमको एकदम फॉलो करने दिमाग में बिठा दो, दिमाग से धोनी बनो यार, क्या कर रहे हो, ठीक है चलो बायोलॉजी में आ जाओ, बायोलॉजी में तुमको क्या करना जानते हो, तुमको सबसे पहले ना डायग्राम को पढ़ना है, चैप्टर को पढ़ने से पहले टेक्स्ट बुक उठानी है और डाइजेस्ट उठानी, दो टूल है तुम्हारे पास, और हो सके तो मेरे नोट्स ले लेना, बायो की नोट्स मैंने झकास बना के रखी है, ठीक है। सो डायग्राम उठाना है तुमको, डायग्राम को पहले पढ़ लेना है, डायग्राम को मैं कहूंगा रट्टा मार लो, क्यों, डायग्राम के लेवल्स को पढ़ना है, कौन सा किधर प्रेजेंट है, मान लो हार्ट है तो किधर मतलब किधर पे उसका वेंट्रिकल से किधर से उसका मतलब जो भी सारे अवेलेबल है, एओर्टा किधर है, पल्मोनरी वेन्स है, आर्टरीज किधर प्रेजेंट है,
समझ गया। अगर समझ लो तुम कोई भी रिपीटेटिव सिस्टम पढ़ रहे हो तो उसका पार्ट्स कौन से किधर अवेलेबल है वो सब तुमको रीड कर लेना है, रट्टा मार लेना है पूरे डायग्राम को। उसके बाद तुमको ना समझना स्टार्ट करना है, जो टॉपिक है उसको पढ़ना स्टार्ट करना है लाइन टू लाइन। एक बार तुमको बुक की रीडिंग करनी है, उसके बाद तुमको टेक्स्ट बुक को रीड करने के बाद तुमको एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करने हैं। बायोलॉजी में सिर्फ एक्सरसाइज पीछे के करके चले जाओगे ना, पूरा दिल लगा के एकदम अच्छे से डायग्राम वगैरह प्रैक्टिस करके आराम से 80 वो बायोलॉजी में निकाल लोगे, गारंटीड बोलता हूं गारंटीड। क्योंकि बायोलॉजी का एक बार जनाब एक्सरसाइज तो जाके देख लो, पीछे जो एक्सरसाइज दिया सारा क्वेश्चन इधर का ही है, एक चैन एवरी टॉपिक से उधर क्वेश्चन उठा के दिया है, कुछ कुछ नहीं रहेंगे। तो एक बार रीड तो बुक करोगे, एक बार बुक की रीडिंग, पहले दिन बुक की रीडिंग, दूसरे दिन एक्सरसाइज। बायोलॉजी में यही करना है, दो दिन बोला ना एक चैप्टर को इसके लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भूलना मत, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देता हूं तुमको टाइम टेबल जिसके लिए तुम इतना इंतजार कर रहे थे। सो ऑल वीडियोज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, भाई मैंने डाल दिया PCMB सब, ठीक है। अभी आज 3 नवंबर को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2020, और तुमको मिल जाएगी इस नवंबर के लास्ट तक पूरी वीडियो। फिजिक्स हमारा खत्म हो चुका है, पूरा कंप्लीट फिजिक्स 16 चैप्टर खत्म, केमिस्ट्री में 1 चैप्टर बाकी है, बायोलॉजी और मैथ्स ये दोनों इस महीने के लास्ट में खत्म हो जाएंगे, डोंट वरी। सो अब तुमको टाइम टेबल यहाँ पे दिखा रहा हूँ यार, थोड़ा सा मैं बताऊंगा उसको सुनो। एक काम करना, जिसको जैसा होगा वैसा उसको अपना फॉलो करना, लेकिन मैं जो यहाँ बता रहा हूँ उसको ध्यान दो। कोई टाइम ये मत बनाना कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ पापा, समझ रहा है, ये नहीं देखना है। क्या करना है अब सुनो, मैंने बता दिया ना क्या क्या करना था, अब यहाँ ध्यान दो। 6 बजे उठना है, जो भी तुमको करना चाहो 6 बजे उठने के बाद तुम फटाफट कर लो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है अब मैं तुम्हें बताता हूँ। 6 बजे सुबह से भी उठने के बाद तुम्हें क्या करना है कि अपना जो भी तुम नया चैप्टर, जैसे कि आज मेरा वीडियो दिख रहा है और कल से तुम स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो 6 बजे तुमको उठना है और चैप्टर के नया चैप्टर जो भी रहेगा उसको स्टार्ट करके रीड करना स्टार्ट करना है। रीडिंग पेंसिल उठाओ, रीडिंग करना स्टार्ट करो, उसका मतलब गूगल से ढूंढो, पूरा रीड करके 10 बजे से 11 बजे सुबह तक खत्म कर देना है। बीच में थोड़ा नाश्ता वगैरह चाय वगैरह लेते रहो, लेकिन पढ़ते रहो, कंटिन्यूअसली रीडिंग करते रहो अकेले मस्त बैठ के एक जगह कोने में। फिर उसके बाद 10 या 11 बजे उठाओ, नहाना है नहाओ, नहीं नहाना तो ऐसे बैठे रहो भाई, वी आर द बॉयज एंड नहीं नहाएंगे कोई चलता नहीं है, कोई चलता सब कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो नहाओ मत नहाओ क्या फर्क पड़ता है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, खाना भी ना खा लो मस्त आराम से। उसके बाद 1 PM से लेकर के 3 PM तक पढ़ाई नहीं, टेक अ स्नैप, सो जाना है, समझ गया, मस्त एकदम सोने का टाइम तुम्हें ज्यादा दे रहा हूं। ज्यादा सोने वाला इंसान ज्यादा टॉप करता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही सोने वाला इंसान वो एकदम गिर जाता है नीचे। फिर तुम्हें 4 PM यानी कि दोपहर में उठना है, 6 बजे तक पढ़ना है तुमको, एक्सरसाइज करनी है, रीडिंग हो गई, सो लिया, दिमाग फ्रेश हो गया, एक्सरसाइज करना है, फिर या तो रिवाइज करना चाहो या प्रैक्टिस करना चाहो, जो करना चाहो कर सकती हो, ट्राई करना एक्सरसाइज खत्म कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद 7 PM, अब 1 घंटे फिर से टाइम दे दिया तुमको, 7 PM से 10 PM तक रिवाइज वंस, जो पूरे दिन में रीड किया था उसको फटाफट गो थ्रू करो 1.5 घंटे में, 7 to 8:30 तक, और 8:30 से आपका 10 तक जो भी 1 घंटा आपके पास 1.5 घंटा है उसमें आपको एक्सरसाइज करना है, उसको जो करा था ना अपने उसको रिवाइज करना है, समझ गया। इतनी छोटू सी जो मैंने आपको बताया ना, इतनी छोटी सी जो मैंने स्ट्रेटजी, सच में आपको बहुत बड़ी सक्सेस दिलाएगी यार। कम से कम 20 से 25 दिन तो फॉलो करके देखो ना, एक बार देख लो फिर बताना तुमको क्या होता है, लेकिन दिल लगा के पढ़ना। ये नहीं कि तुम रीडिंग कर रहे हो और मम्मी समोसे बना रहे हो, समोसे में ध्यान है तुम्हारा, ऐसे नहीं, पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं तो फिर नहीं पढ़ूंगा, खत्म कहानी, ये सोच के ही बैठना। ये नहीं कि तुम मेरे स्ट्रेटजी में पानी फेर दो, बोलो पढ़ तो रहा हूं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, यही स्ट्रेटजी फॉलो करके देखना, कोई ना कोई 90 जरूर लाएगा, पिछले साल जैसे लाए थे इस साल भी लाएंगे। तुमको क्या लगता है मैं 1 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं ऑफलाइन में करीबन 500 स्टूडेंट को एक साथ मेंटर कर रहा हूं, मालूम भी नहीं होगा तुम्हें मुंबई में। सो ये मत सोचो, मेरे पे मत जाओ, मैं जो बता रहा हूं उस पे फॉलो करो, उसे देखो, तुम लोग गारंटेड तुम लोग सक्सेस पाओगे। सो तुमको 7 PM से लेकर 10 PM तक तुमको ना क्या करना है, रिवाइज, जो भी दिन भर में पढ़ा है, एक्सरसाइज पढ़ा था तुमने, रीड किया था, उसको करना है। थोड़ी इफिशियंसी बढ़ाओ यार, पढ़ने की स्पीड को थोड़ा बढ़ाओ, और उसके बाद तुम्हें स्लीपिंग पे जाना है 10 बजे। तुम बोलोगे हम तो 12 बजे सोते हैं, तो जाओ मेरा क्या करना है, मेरी बात मत मानो, सो जाओ 12 बजे 1 बजे। जब 12 बजे सोओगे थोड़ी 6 बजे उठ पाओगे, फिर थोड़ी पढ़ पाओगे, टॉप तुम थोड़ी कर पाओगे, टॉप तो फिर वो करेगा ना जो इसे फॉलो करेगा। तो तुम टॉपर के सपने देखना बंद कर दो और अच्छे मार्क्स लाने के सपने भी देखना बंद कर दो। अब आता हूं आपके मन की बात करता हूं थोड़ा सा यार, आप बोलोगे बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बता दिया आपने, तो थोड़ा सा आपके मन की बात कर देता हूं, क्योंकि फोन से ही तो पढ़ाई करोगे ना यार एक चीज तो बोला ही नहीं यहाँ पे फोन यूज करने का, तो बता देता हूं आप भी खुश हो जाओगे। सो व्हाट अबाउट सोशल मीडिया यार, रिस्क है तो इश्क है, समझ गया। सो यू कैन यूज आफ्टर 10 PM, तो 10 PM से 11 PM तक आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो, बट
रिस्क है कह रहा हूं ना रिस्क है, क्योंकि ये 1 घंटे तुम्हें कहां कहां की सैर करवा देंगे, जो तुमने दिन भर पढ़ा था सब भूल जाएगा, क्योंकि यहां पे फिर सोना बाबू मोना ठोना पता नहीं क्या क्या सब याद हो जाएगा, तो फिर वो जो याद था वो सब भूल जाएगा, तो रिस्क है। बट याद रखना यहां भी भाई सब हर्षद मेहता नहीं बनते, ठीक है। सो ये बात तुमको समझ के रखना, थोड़ा सा बस फोकस करना, रिस्क तो है चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं कहूंगा कि इस टाइम पे भी सोने के पहले थोड़ा सा कोई चीज पढ़ लेना यार, रिवाइज कर लेना किसी मतलब स्वामी विवेकानंद के थोड़ा बहुत स्पीच अवेलेबल है पढ़ लेना, उनके थोड़े बहुत कोट्स याद कर लेना, यूट्यूब के थ्रू थोड़ा गो थ्रू कर लेना, है ना। और सोने से पहले आंखों में पानी डाल के फिर सोना, मतलब मुंह धो के सोना, फेस को एक बार धो लेना फिर सोना, आंखों में ठंडा पानी डाल के सो जाना, ठीक है। मस्त अच्छी खासी नींद आएगी, सुबह फिर 6 बजे उठना होगा ना इसके लिए। और कहां खोए हो जनाब, 10 से लेकर 6 बजे तक सोना मतलब जानते हो कितना हो गया, 8 घंटे इधर दिया तुमको और उधर पे 1 PM से 4 बजे दे जाए, 2 घंटे उधर, 10 घंटे सोने का टाइम दिया मैंने तुम्हें, 10 घंटे सोने वाला बंदा टॉप करेगा, सोच रहे हो कुछ क्या बता रहा हूं। और बाकी सारे लेक्चर छोड़ दो, इस वक्त सब ऑनलाइन चल रहा है, बंद है, पढ़ाई में तुमको फोकस करना है, कहां पे पढ़ सकते हो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे टाइम मैनेज करोगे तुम जानो, तुम मेरे बारे में कभी सोचो मैं कैसे टाइम मैनेज करता रहूंगा, बस वही सोच के तुम करना स्टार्ट करो। और कहा था ना मजा आएगा, तो आया कि नहीं आया, कहां बताओगे कमेंट बॉक्स में, शेयर किए बिना जाना मत, मेहनत लगी यार करने में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर, हो सके तो इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स में फैला देना, शेयर करना व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जहां जहां तुम करना चाहो हर जगह कर सकते हो, मजा तो जरूर आया है तुम्हें मैं जानता हूं, और टाइम टेबल जरूर तुमने बनाया ही होगा अपना, इसे भी फॉलो करके देखो एक बार 20-25 दिन। डेडिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि लीडर बनना है तो लीडर जैसी खूबियां होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलना पड़ेगा ना, थोड़ा सा एक हट के चलना पड़ेगा ना, हमेशा दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा कि वो बंदा कितना पढ़ रहा होगा, अरे मैं कैसे बंद कर सकता हूं, समझ रहे हो। तो हमेशा ऊपर की ऊंचाइयों को देखते रहो, एक दिन जरूर मंजिल मिलेगी। बाय बाय।